मेरे साथ भोलानाथ सिंह जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, बहुत बहुत बधाई। ये मेडल हमारे लिए, भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद जी। हम लोग को तो पूरी टीम के, मेरे जितने भी लड़के हैं जो खेल रहे थे, उनको, कोचेज को, हम लोग हॉकी इंडिया के जितने भी लोग, हम लोग जो इन लोग से जुड़े हुए हैं, हम लोग का पूरी प्लानिंग, पूरी टारगेट था फाइनल खेलना, मगर बाई लक अमित रोहिदास को रेड कार्ड दे के बाहर कर दिया गया। वो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा मेरे लिए, नहीं तो आज मैं फाइनल खेलता। वो अमित रोहिदास वाला इशू में आपने उस दिन हमारे प्लेटफॉर्म में भी इंटरव्यू दिए में बोला था आपने, वो गलत हुआ था। और इस टूर्नामेंट में कई सारे, वो पेनल्टी स्ट्रोक जो हमारे खिलाफ गया, वो वाला अमित रोहिदास वाला, ये कई सारे अंपायरिंग एरर्स भी हुआ है। आप लोग इसके बारे में सोचा होंगे, आप लोग इसके बारे में बताएंगे, आपने उस दिन बोला भी था। देखिए, मौखिक रूप से और लिखित रूप से जो हम लोग का प्लेटफॉर्म है, जहाँ बताना चाहिए बहुत बोल्डली तरीके से, और बहुत ही जो एक सीमा होता है, सीमा को पार करते हुए मैंने बताया था, और इस बात को बहुत पुरजोर तरीकों से मैंने रखा था अपनी बात को सभी लोगों के बीच। मगर एक होता है ना कि रूल इज द रूल। यस। तो वो जिस तरह से विनेश फोगट को वो आज बाहर कर दिया, एक रूल है वो, रूल जो जहाँ आ जाती है वहाँ पर लोग को थोड़ा सा आपको समझाने वाले, शिक्षा देने वाले लोग हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी यही चीज़ें आई। मगर आने वाले समय में दोबारा हिंदुस्तान के साथ मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ये दिन देखने को ना मिले। 15 लाख रुपये ऑलरेडी आपने बोल दिया है हर प्लेयर, और 7.5 लाख रुपया सपोर्ट स्टाफ, बहुत 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 अच्छा अनाउंसमेंट, बताइए। हाँ, 15 लाख रुपये सभी खिलाड़ियों को, और स्पोर्टिंग स्टाफ जो हमारे जितने भी हैं सहयोगी, उन लोग सभी को मैंने हॉकी इंडिया की तरफ से ये कोशिश किया हूँ सभी को दूँ, क्योंकि देखिए क्रिकेट इतनी बड़ी संस्था तो मेरी नहीं है, मगर जितनी बड़ी, जितना हम लोग के पास है, जितना हम लोग की एक क्षमता है, एक उसको शुद्ध हिंदी में बोलिए औकात है, उतना हम लोग अपने खिलाड़ियों को देने का कोशिश अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आई मीन आपने 1 घंटे के अंदर अनाउंसमेंट किया है, सॉलिड, वेल डन। श्रीजेश के बारे में कुछ बताइए, आज लास्ट मैच, मैंने तो उसको अभी थोड़ी देर पहले बोला भाई रिटायर क्यों कर रहा है, इतना दोस्त है इसलिए बोल भी सकता हूँ, इतना साल से उसको जानता हूँ, भाई है मेरा। बट श्रीजेश के बारे में देखिए, श्रीजेश हमारे स्तंभ थे, हॉकी इंडिया, हॉकी की टीम सभी के लिए स्तंभ थे। वो आज हम लोग को आखिरी मैच खेल के विदा ले रहे हैं, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि श्रीजेश हॉकी इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। मैं और एक घोषणा करने जा रहा हूँ कि श्रीजेश हमारे जूनियर इंडिया टीम के कोच होंगे। सर दोबारा बताइए, ये दोबारा बता दीजिए, श्रीजेश हमारे जूनियर इंडिया टीम के मुख्य कोच होंगे। आपने अभी सुन लिया है भोलानाथ जी से, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ इन्होंने दे दिया है कि पीआर श्रीजेश जूनियर इंडिया के कोचिंग करेंगे, इसके लिए और भी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, वेल डन, ग्रेट जॉब, ब्रिलियंट अनाउंसमेंट कमिंग फ्रॉम द हॉकी इंडिया सेक्रेटरी जनरल, पीआर श्रीजेश विल बी इन्वॉल्व एंड विल बी द हेड कोच ऑफ द जूनियर इंडियन टीम, फैंटास्टिक अनाउंसमेंट कमिंग फ्रॉम हिम एंड हॉकी इंडिया सेलिब्रेटिंग आवर मेडल एड्स टू अनदर सेलिब्रेशन, वेल डन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रेड स्पोर्ट्स, कीप वॉचिंग आवर कवरेज फ्रॉम पेरिस। शिवेंद्र भाई, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर से एक बार ब्रॉन्ज मेडल आ गया है पोडियम पे इंडियन टीम, क्या कहोगे आज? वैसे उम्मीद हमें गोल्ड की थी, हमने जिस हिसाब से प्रिपरेशन किया था, टीम की फॉर्म जिस हिसाब से थी, मैं पूरी उम्मीद थी कि हम लोग गोल्ड मेडल मैच खेलेंगे, मगर कहीं नहीं, हम खाली हाथ वापस नहीं जा रहे हैं, हमसे ब्रॉन्ज मेडल लेके जा रहे हैं। बैक टू बैक मेडल जीतना भी एक बहुत बड़ी बात होती है ओलंपिक जैसे इवेंट में, और कहीं ना कहीं हॉकी का वापसी हो रही है पूरे अपने कंट्री में, हॉकी वापस आ रही है। माहौल कैसा था जब जर्मनी के साथ सेमीफाइनल में हार गए थे, क्या माइंडसेट से आज, मतलब एक दिन का गैप भी था तो क्या चल रहा था टीम में? कहीं ना कहीं सेटबैक था हमारे लिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी टीम चल रही थी, परफॉर्मेंस जा रही थी हमारी, जो हमारी टीम की बॉन्डिंग थी वो बहुत हाई लेवल पे थी, और हमने सोचा हुआ था कि फाइनल खेलना ही खेलना है, जहाँ हमें उस मैच में हमें जब हार मिली तो धक्का भी लगा, मगर सब प्लेयर्स अच्छे, हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे और वो पिछले ओलंपिक में सेमीफाइनल खेल चुके थे, ये चीज़ को फेस कर चुके थे, तो उनको वापस लाने आने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और एक टीम उभर के वापस आई और इस मैच को हमने वापस मेडल जीत के।
श्रीजीत रिटायरमेंट ले रहा है उसके बारे में कुछ? इसका जैसे करियर मतलब गोल कीपर मिलना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। इसने उसको मेडल दे के उसकी रिटायरमेंट को हमने पूरा किया। हमारे पास लड़कों का एक ही टारगेट था, बस ये लास्ट मैच श्रीजेश के लिए खेलना है क्योंकि उसका लास्ट मैच है, तो उसके लिए मेमोरेबल बनाना है। लास्ट सवाल, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत बड़ा है, लेकिन भारत को अगर गोल्ड जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? कहीं नहीं, जो हमने थोड़ी थोड़ी मिस्टेक की है, जो मेंटली है, फिजिकली, और जो हमारे गोल स्कोरिंग थी उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारी मिसिंग हुई है लास्ट चांसेस में वो थोड़ी कम करते तो मे बी शायद हम लोग। थैंक यू सो मच मुझे बताने।